नमस्कार दोस्तों, टिटिभासन या फायरफ्लाई पोज योग विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। सेल्फ डिफेंस के लिए मजबूत इच्छा शक्ति के साथ हाथों और कंधों की मजबूती के लिए टिटिभासन बेहद कारगर है। आज हम आपको इस आसन के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। टिटिभासन हाथ के बल पर शरीर का बैलेंस बनाने वाले प्रमुख आसनों में से एक है। टिटिभासन के निरंतर अभ्यास से शरीर को ढेरों फायदे मिलते हैं। इसे निरंतर करने से इनर ग्रोइन और बैक टोर्सो को काफ़ी मजबूती मिलती है। साथ ही इससे आपके कंधे और कलाइया मजबूत होते हैं। आप इस आसन का निरंतर अभ्यास करने से खुद को तनाव मुक्त भी महसूस करेंगे। इस आसन को करने से रीढ़ की हड्डी में खिंचाव आता है, पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है, त्वचा में चमक आती है। इस आसन को करने से छाती खुलती है और शरीर में ऊर्जा आती है। कैसे करें टिटिभासन? शुरुआत में टिटिभासन का अभ्यास सही ढंग से करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। शुरुआत करने के लिए जमीन पर बैठ जाए और टांगों को 90 डिग्री के कोण पर फैलाए। इसके बाद एड़ियों को किसी ब्लॉक पर रखें और अपनी हथेलियों को टांगों के बीच रखकर जमीन की तरफ दबाएं और फर्श से उठने की कोशिश करें। इसे करने की अवधि 30 से 60 सेकंड की होती है। इस आसन में दोहराव की आवश्यकता नहीं होती है। शुरुआत दौर में इस आसन को करने के लिए किसी योग्य योग शिक्षक से मार्गदर्शन जरूर लें। इस आसन को करते वक्त बरतने वाली सावधानी। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में, पीठ में, कलाई में, कंधे में किसी प्रकार की चोट लगी है तो वह इस आसन को न करें। अगर शुरुआत में हाथों की हथेली पूरी तरह से जमीन पर ना रखी जाए तो आप घबराए नहीं। शुरुआत में ऐसा होना स्वाभाविक है। हाथों का संतुलन बनाए रखना और पैरों को हवा में खोलना बेहद कठिन है। ऐसे में केवल उतना ही समय इस अवस्था में रहे जितने समय आप संतुलन बनाए रख पा रहे हैं। शुरुआत में आप धीरे धीरे पैर खोलने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इस तरह के और फिटनेस से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।